अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर नीलोफर बल्लारी। आज के इस तालीमी वीडियो में हम जमात हफ्तुम मजमून साइंस का तीसरा सबक कुदरती वसाइल की खसूसियात पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग छठी जमात में कुदरती वसाइल ये सबक पढ़ चुके हैं। कुदरती वसाइल यानी क्या आप लोग जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। कुदरती वसाइल यानी कुदरत से हासिल होने वाली चीज़ें, हवा, पानी और मिट्टी। आज इसी से मुतल्लिक हम मालूमात हासिल करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जमात हफ्तुम जनरल साइंस, सबक नंबर 3, कुदरती वसाइल की खसूसियात। हवा। हवा की खसूसियात। हवा हमारे अतराफ मौजूद होती है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। हवा में वजन और हजम पाया जाता है। हवा की खसूसियत को समझने के लिए हम एक तजुर्बा करके देखेंगे। एक स्ट्रॉ लीजिए, इसके बीचों बीच एक धागा बांधकर इसे उसकी सतह पर लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दोनों सिरों पर दो रबर के गुब्बारे बांधिए। अब एक गुब्बारा निकालकर इसमें हवा भरकर इसे स्ट्रॉ के पहले मुकाम पर बांधिए। क्या स्ट्रॉ अब भी उसकी सतह पर कायम रहती है? इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। हवा भरा हुआ गुब्बारा स्ट्रॉ के जिस सिरे पर बांधा गया है, वो सिरा हमें नीचे झुकता हुआ नजर आता है, यानी हवा में वजन पाया जाता है। हवा गैसों का आमेजा होने की वजह से दूसरी अशिया की तरह ही हवा में हजम और वजन पाया जाता है। इस तजुर्बे से यह साबित होता है कि हवा वजन रखती है। फिजाई दबाव। हवा में मौजूद गैसों के सालमात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। ये सालमात जब किसी शय से टकराते हैं तो इस शय पर दबाव डालते हैं। हवा के इस दबाव को ही हम फिजाई दबाव कहते हैं। तो चलिए फिजाई दबाव को समझने के लिए हम एक और तजुर्बा करके देखेंगे। एक बगैर सुई की इंजेक्शन की सिरिंज लीजिए, इसका पंप खींचिए और इसका मुशाहिदा कीजिए। पंप आसानी से बाहर खींचा जा सकता है। अब सिरिंज का सुराख अंगूठे की मदद से बंद कर दें और पंप को बाहर की तरफ खींचिए और फिर छोड़िए। पंप वापस अंदर चला जाएगा। सिरिंज को आड़ी, खड़ी या तिरछी किसी भी हालत में रख कर आप इस तजुर्बे को दोहराएं तो हर मर्तबा पंप इतना ही अंदर जाता है। इस तजुर्बे से ये साबित होता है कि फिजाई दबाव हर सिमत में मसावी होता है। आइए करके देखें। प्लास्टिक के एक कप में पानी लेकर इसमें एक स्ट्रॉ खड़ा पकड़िए। दूसरे स्ट्रॉ का छोटा सा टुकड़ा पहले स्ट्रॉ के ऊपरी सिरे के करीब जाविया कायमा में पकड़िए। छोटे टुकड़े में से कुव्वत से फूंकिए। आपको पानी का फव्वारा उड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रॉ के फूंकने पर इसके सामने की हवा दूर ढकेली जाती है और इस वजह से इस जगह की हवा का दबाव कम हो जाता है। स्ट्रॉ के ऊपर के हिस्से के करीब की हवा का दबाव फिजाई दबाव की बनिस्बत कम हो जाने से कप का पानी ज़्यादा दबाव से कम दबाव यानी ऊपर की सिमत ढकेला जाता है। पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर आता है। जितनी कुव्वत से फूंक मारेंगे फव्वारा उतना ही ऊंचा उड़ेगा। स्ट्रॉ का ये फव्वारा बर्नाली के नज़रिए के मुताबिक काम करता है। कुदरती वसाइल की खसूसियात। इस सबक में अभी हमने हवा की खसूसियात और इससे मुतल्लिक तजुर्बे देखे। अब चलते हैं अगले वसाइल की तरफ, पानी की खसूसियात। पानी एक आफाकी मुहल्लिल है। पानी आम दर्जे हरारत पर माय शक्ल में पाया जाता है।
पानी एक बहने वाली शय है। पानी का कोई रंग और बू नहीं होती और ना ही इसकी कोई शक्ल होती है, लेकिन इसका हजम होता है। तो चलिए पानी की खसूसियात को जानने के लिए एक तजुर्बा करके देखते हैं। एक बाल्टी में पानी लीजिए। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कि पेंसिल, रबर, शार्पनर, चम्मच वगैरह डालिए। और कौन सी चीज़ें पानी पर तैरती हैं और कौन सी नीचे चली जाती हैं, इन चीज़ों की फहरिस्त बनाइए। तो आइए पानी की खसूसियत को जानने के लिए एक और तजुर्बा करके देखते हैं। एक ग्लास में पानी लीजिए। इसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए और इसका मुशाहिदा कीजिए। बर्फ पानी पर तैरता हुआ क्यों नज़र आता है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि बर्फ पानी की बनिस्बत हल्का होता है। जब पानी मुंजमिद होकर ठोस बर्फ़ में तब्दील होता है, तब अपनी असल यानी माय हालत से हल्का होता है। पानी मुंजमिद होने के दौरान इसका हजम बढ़ता है और बर्फ़ की कसाफत कम होती है, इसीलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। तो देखा ना आपने कि किस तरह बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। पानी की कसाफत यानी क्या, शय का हजम और इसकी कमियत का आपस में ताल्लुक। किसी एक शय के ज़रिए घेरी हुई जगह यानी इसका हजम, शय में मादे की मिकदार यानी इसकी कमियत। कसाफत बराबर कमियत बटा हजम। कमियत ग्राम में और हजम मुकब सेंटीमीटर में नापते हैं। कसाफत बराबर ग्राम फी मुकब सेंटीमीटर। इस तरह कसाफत की इकाई ग्राम फी मुकब सेंटीमीटर है। आइए एक और आसान तजुर्बा करके देखते हैं। दो बड़े ग्लास लीजिए, इनमें पानी डालिए। एक ग्लास के पानी में 4-5 चम्मचे नमक डालकर पूरी तरह हल कीजिए। दूसरे ग्लास के पानी में एक आलू डालिए। आलू पानी में डूब जाएगा। आलू को इस ग्लास में से निकालकर नमकीन पानी के ग्लास में डालिए और मुशाहिदा कीजिए। नमक पानी में डालने से इस ग्लास के पानी की कसाफत बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई कसाफत की वजह से आलू पानी में तैरने लगता है। इस अमल में ग्लास के पानी में नमक डालने पर वो हल हो जाता है, यानी वो नज़र नहीं आता। पानी में हल होते वक्त नमक के ज़रात इसमें फैल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे होते जाते हैं। आखिर में वो इतने मुहीन हो जाते हैं कि नज़र नहीं आते, यानी वो पूरी तरह पानी में हल हो जाते हैं। इसी को हल होना कहते हैं। मुनहिल, जो शय हल होती है, यानी कि नमक। मोहलिल, जिस शय में मुनहिल हल होता है, यानी कि पानी। और महलूल, जब मुनहिल मोहलिल में पूरी तरह हल हो जाता है। तो ये था एक छोटा सा तजुर्बा जो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। हमारा अगला कुदरती वसीला है मिट्टी। मिट्टी की खसूसियात। रंग मिट्टी की अहम खसूसियत है। रंग की वजह से मिट्टी का मुतालिया करने में आसानी होती है। यहाँ 3 शक्लों में बताया गया है। मिट्टी का रंग मिट्टी में मौजूद कीमियाई अज्जा पर मुनहसर होता है। मिट्टी के रंग पर मिट्टी में पानी को रोके रखने की सलाहियत मुनहसर होती है। मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी होती है। आइए इस तजुर्बे के ज़रिए मिट्टी की खसूसियत को जानें। इसके लिए ज़रूरी अशिया: 3 पैमाइशी इस्तवाने, कांच के कीफ, जाजिब कागज़, पानी, बारीक रेत, मोटी रेत और गमले की मिट्टी। अब तीनों कीफों में जाजिब कागज़ रखिए। कीफ अलिफ में बारीक रेत, कीफ ब में रेतीली मिट्टी और कीफ जिम में गमले की ली हुई चिकनी मिट्टी। मसावी मिकदार में लें। हर कीफ में यकसा मिकदार में पानी डालें और देखें
कि पैमाइशी इस्तवाने में कितना पानी जमा होता है। इसका मुशाहिदा कीजिए। इस तजुर्बे से ये साबित होता है कि मिट्टी में पानी को रोके रखने की खासियत मौजूद होती है, जो मिट्टी के मुख्तलिफ अकसाम पर मुनसिर है। मिट्टी की तरकीब। रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी कम जरखेज होती है, इससे पानी जल्द बह जाता है। इसके जर्रात सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे कीमियाई मादे से बने होते हैं, जो पानी में हल नहीं होते, इसलिए इस मिट्टी में गिजाई अज्जा मुहैया करने की सलाहियत निहायत ही कम होती है। इसके बाद है लुम मिट्टी। इस मिट्टी के जर्रात औसत जसामत के होते हैं, इसमें हल चलाना बकदरे आसान होता है। इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद है चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में बारीक जर्रात का तनासुब ज़्यादा होता है, पानी को रोके रिझने की सलाहियत ज़्यादा होती है। चिकनी मिट्टी जरखेज होती है, नरम और मुलायम होती है। मिट्टी के इस्तेमाल। नबातात की हिफाजत। नबातात की नशोनुमा मिट्टी में होती है। आबी वसाइल। मिट्टी पानी रोके रखती है, इसलिए बंद तालाब के जरिए हम 12 महीने पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तशक्कुल। मिट्टी को जैसी चाहे शक्ल दी जा सकती है। मिट्टी की इस खसूसियत को तशक्कुल कहते हैं। इस खसूसियत की वजह से हम मिट्टी की मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें बना सकते हैं। ये थे मिट्टी के इस्तेमाल। मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच करने से मिट्टी का रंग और खसूसियात पता चलती हैं, नामियाती अज्जा का पता चलता है, तदाबीर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, मिट्टी की कमी का पता चलता है, मिट्टी की तरकीब पता चलती है। तो बच्चों, आज हमने देखा कुदरती वसाइल की खसूसियात, उसके इस्तेमाल, इससे मुतल्लिक हमने मालूमात हासिल की। किताब में दिए हुए तजर्बात आप घर पर भी कर सकते हैं। मश्क में दिए हुए सवालात के जवाब ढूंढ कर अपने बयाजों में लिखिए, यही आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।